बार हंस क्या दिया, सीधे कंपार्टमेंट में ही आ गया। हेलो। इतने जल्दी फोन भी कर दिया, याद आ गई क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे वो तुम्हारी मुंह बोली आंटी है ना, उसका लड़का भी साथ जाएगा। अरे बहुत अच्छा लड़का है वो। चेक शर्ट और जींस पैंट में है। दूसरा समझ के गाली मत देना, तेरी माँ के गुस्से से और तेरे डर से मुझे बहुत डर लगता है। सुनो राम सिंह, नाम जानता हूँ मैं अपना। ट्रेन निकल गई क्या? हाँ। वो लड़का आया? हाँ वैसे आ गया है। आ गया मतलब इसने कुछ कर तो नहीं दिया? ठीक है जरा फोन दो उसे। हाँ जी। पहली बार जा रही है हम लोगों के बिना। मैं हूं ना अंकल जी, परसों ही हॉस्पिटल से आई है, पता है ना? हाँ। उसके सामने ये रोना धोना मरना वगैरह। हाँ मैं समझ गया। अपनी माँ को भी बोल देना। ठीक है, रखता हूँ, संभल कर जाना। ठीक है अंकल जी, बाय। थैंक यू। वैसे आप क्या करते हैं? आपने जवाब नहीं दिया। मैं खाना बनाता हूँ। तत्, खाना बनवाता हूँ। ये तो और भी बेकार लग रहा है। ए, सॉफ्टवेयर वालों को मसाले भिजवाता हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि ठेले पर भजिया बेचता हूँ, ये बता दूँ। मेरे काम का पेमेंट मिलता है लेकिन नाम नहीं है। दो राज्यों में सूखा पड़ने की वजह से कम 200 किसान आत्म स्पोर्ट्स न्यूज बेटर होगी। रेसिंग हिस्ट्री में उथल पुथल। वाओ, 27 साल के रेसर का ट्रैक पर ही एक्सीडेंट हो गया। सूखे से मर रहे हैं, कार चलाने से मर रहे हैं, ये सब क्या है यार? क्या कहा? नागेश्वर की बेटी ने सुसाइड कर लिया? अच्छा, आज तीसरा दिन है, क्यों नहीं करेगी भाई? ऐशो आराम की जिंदगी मजा लेने के बजाय ये पैसे वाले लोग ऐसे ही काम करते हैं। वैसे उसे नहीं, उसके बाप को गाली देनी चाहिए। विदेश भेजा था ना कॉलेज की पढ़ाई के लिए, इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। भरी गर्मी में धूप से चिलचिलाती सड़क पर बिना चप्पल के खड़ा करके उसकी अच्छी सी चमड़े की पैंट से उसकी चमड़ी उतर जाए इतना मारना चाहिए, तब जाकर अकल आएगी। बातों से नहीं बांधने वाला। क्या हुआ था जी? बेकार लोगों की बात की तो मेरा इतना महंगा फोन भी चला गया। ऊंची आवाज में बात करने काफी नहीं है, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। किस पर भाई? फोन पर। लगता है फोन के लिए मर ही जाएंगे। माया कौन है? अनुसुईया राम सिंह, नितिन बिहारी। कितना हुआ? 150 सर। आपने एक बात ऑब्जर्व की क्या? अनुसुईया राम सिंह। हाँ। नितिन बिहारी। हाँ। वो ही। ओ, आजा। आसपास के दो अक्षर, लेकिन परिचय होने में 25 साल लग गए। मुत्तू फिल्म में रजनीकांत जो चलाते हैं वो यही है ना? हाँ, वो टांगा था। तो ये झटका। दोनों में अंतर क्या है? घोड़ा आंखें खोलकर चले तो वो टांगा, और बंद करके चले तो झटका। मतलब ये अभी आंखें बंद करके चल रहा है? अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? उनके पैर हैं और हमारी आंखें, बस वही है कॉम्बिनेशन।
यहाँ दीजिए, पीजिए। कौन है वे? ये बिल्कुल हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह लगती है। बिल्कुल लगती है। जहाँ जहाँ जो जो चीज होनी चाहिए वहाँ वहाँ वो चीज है। ठीक कहा। क्या हुआ? हैदराबाद से अनुसुईया शर्मा, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, महेश्वरी डॉटर ऑफ मंजू, और कर्नाटक से झटका जनार्दन, उसकी माँ का नाम मैं नहीं जानता, इन सब की इच्छा पर छोटा सा हाई स्पीड। हमें तो फिर हम गिरे कैसे? लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जमीन पर गिरोगे तो क्या होगा? अब चाहे जबान फिसले या टायर फिसले, एक ही है। तो फिर नीचे क्यों उतरा तू? तेरी मदद करने के लिए। तो फिर तेरे हाथ में बैग क्यों है? अपने गांव आया हूं तो बैग नहीं लाऊंगा तो क्या बैंड बाजा साथ लाऊंगा? मैं सब जानता हूं। तुम तो ज्ञानी हो भाई। मेरा भी टाइम आएगा ही, तब बताऊंगा मैं तुझे। हर घड़ी पहनने वाला समझता है कि उसका टाइम आएगा, लेकिन वो बस टाइम देख पाता है। ओए, बाइक उठा। हाँ? बाइक उठाऊं क्या? कौन था वो? अपने ही गांव का है। इसकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। आप जरा अपनी कमेंट्स बंद करके मुझे मेरी बैग देंगी क्या? गांव देखना है बोल रही थी ना तुम? ओह, इच्छा पूरी हो गई ना? गांव देखना है क्या? आंखें बंद कर लो। देखना है तो आंखें बंद कर लो, ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है। ये आवाज कैसी? गांव की चहल पहल। कान बंद कर लो। ये खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। बारिश आने से पहले बादल के परफ्यूम की सुगंध है। कानों के साथ अगर नाक भी बंद कर ले तो गांव क्या, सीधे ऊपर स्वर्ग भी देख सकती हैं। इस गांव में मेरा पहला दिन ऐसे गुजरा। सोचते हैं कि सुसाइड करना हो तो उधार या परेशानियां ही काफी है, ऐसा जरूरी नहीं। एक शैम्पू की बोतल जो ऊंचाई पर हो या फिर मेरी माँ ही काफी है। ये शैम्पू इतनी ऊंचाई पर क्यों है? ये शैम्पू तो मेरी माँ ने इतनी ऊपर रखा है, मैं लंबी हो जाऊँ इसलिए। अब शैम्पू उठाने से तो कोई लंबा होता नहीं। अगर शैम्पू की बोतल हाथ आई तो ही बाल धो सकती हो, वरना सर पर तेल लगाकर घर पर बैठो।
ठीक तो है ना? शावर होता तो वर्ल्ड में इससे अच्छा बाथरूम कहीं नहीं होता। हाय। अब क्या हाय जी, जाते वक्त जो बारिश आनी चाहिए थी वो लौटते वक्त आ गई। भानु जी, कौन है ये? ये अनु है, हैदराबाद से आई है। अच्छी है ना? हाँ अच्छी तो है, लेकिन कपड़े पहने होते तो और भी अच्छी लगती। उल्लू कहीं का? हाँ? उसके लिए आम बात है। आम बात है? कौन के सारे सितार बज उठे हैं। सुनिए जी। हाँ जी बोलिए। ऊपर चलोगे क्या? चलना तो जरूर चाहूंगा जी, लेकिन जाऊँ कैसे? मैं उठा के ले चलूँ तुम्हें। माँ, हैदराबाद के पड़ोसी की बेटी है ना? तो क्या किया उसने? कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ? बहुत ही सीधी सादी सी लगती है। अच्छा ये है कि आंटी की कोई आदत इसमें नहीं दिखती, वरना अनुसुईया नहीं असुईया बुलाना पड़ता। क्या हुआ, गालों पर हाथ फेरता हुआ क्यों आ रहा है? वो माया है ना, वो चुड़ैल है भाई। आखिर हुआ क्या है? थप्पड़ मारा मुझे। लेकिन मारा क्यों? दरवाजा अटक गया, खुल नहीं रहा। खोल देता हूँ। इस पर तो मारेगी नहीं। मुझे कपड़े बदलने हैं। कोई बात नहीं, आप अपने कपड़े बदलो, उसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है। बदलो बदलो। इस पर भी नहीं मारेगी वो। आप जाओगे तो दरवाजा दोबारा अटक गया तो निकलना मुश्किल है। खुला रख कर ही बदल लीजिए ना, अच्छा रहेगा। उल्लू कहीं का? ऐसे ही मारा था ना, थोड़ा हल्का मारा जी। भैया, हैदराबाद वाली बुला रही है। I am just coming.